मैंने आपको नाभि चक्र के बारे में बताया है और भवसागर के बारे में बताया है। इसी भवसागर में गुरु तत्व होता है और गुरु तत्व जो है वो हमारी धर्म की स्थापना कर देता है। ये 10 जो यहाँ पे 10 पंखुड़ियाँ हमने दिखाई हुई हैं, ये 10 पंखुड़ियाँ ही हमारे अंदर 10 धर्मों की स्थापना करती हैं। मनुष्य के अंदर 10 धर्म होना जरूरी है, नहीं तो मनुष्य नहीं है। अगर उसके अंदर 9 धर्म है तो भी वो च्युत है थोड़ा सा। और अगर मनुष्य अपने धर्मों की व्यवस्था न रखे, माने ईसाई मुसलमान हिंदू से मेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जो हमारे अंदर जो मानवता के 10 धर्म है उसको अगर मनुष्य ठीक से न रखे तो वो दानव हो जाता है। ये जो गुरु तत्व है इसने अनेक बार संसार में जन्म लिया है, विशेषकर 10 उसके मुख्य जन्म हुए हैं। राजा जनक, नानक, मोहम्मद साहब आदि अनेक इन्होंने जन्म लिए और आखिर में हमारे साईनाथ जो शिरडी में हो गए उनका जन्म हुआ। ये तत्व हमारे अंदर बांधते हैं क्योंकि हमारे अंदर भी जिन जिन्होंने जन्म लिया है, जो जो ऐसी हस्तियां जिन्होंने जन्म लिया है हमारे उत्क्रांति के लिए, हमारे एवोल्यूशन के लिए, वो हमारे अंदर बंधे हुए हैं। उनकी जैसे अब ये चीज बनाई गई है, इसमें भी एक ये चीज बांधी, ये चीज बांधी, ये चीज बांधी, उसके बगैर ये पूरा तैयार नहीं होता। उसी प्रकार मनुष्य भी अनेक चीजों से बंधा हुआ है और ये बहुत सूक्ष्म हमारे अंदर देवता स्वरूप हमारे भवसागर में ये गुरु लोग होते हैं। अब उन्होंने पहले ही कह दिया कि बेटे तुम शराब मत पियो। गुरुओं ने कहा है कि शराब मत पियो तो उनको कोई पागल कुत्ते ने काटा नहीं था। उनके लिए ये भी नहीं कह सकते कि ये इलेक्शन लड़ रहे थे इसलिए ये स्टंटबाजी कर रहे हैं। उनके लिए ये भी आप नहीं कह सकते कि इनका कोई और बिजनेस था तो कंपटीशन में इन्होंने उनको बुरा कह दिया। उन्होंने कहा कि बेटे शराब नहीं पियो, सिगरेट नहीं पियो, कोई तरह का मत देना लो, क्योंकि इस जगह में ही हमारी चित्त की अवस्था होती, चित्त हमारे पेट में होता। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे पेट में हमारा चित्त होता, खासकर हमारे लिवर में हमारा चित्त होता, अटेंशन। उन्होंने जो कहा कि तुम शराब नहीं पियो उसका मतलब यह था कि तुम अपने चित्त में एक शुद्धता न लाओ, अपना चित्त खराब न करो। आप जानते हैं कि शराब पीने से मनुष्य की चेतना डूब जाए, तो लोगों ने उसका दूसरा हिसाब निकाल लिया कि पेट का धर्म रखने का है ना तो खान पान का विचार करो, लहसुन मत खाओ, प्याज मत खाओ, फलाना मत खाओ, ढिकाना मत खाओ। क्योंकि लहसुन प्याज तो खाते थे मोहम्मद साहब और नानक भी खाते थे गोश्त वगैरह सब, तो इन सबको ठिकाने लगाने के लिए एक नई व्यवस्था निकालो, ये खत्म हो। मतलब ये है कि खान पीन में ज्यादा चित्त किसी भी तरह से लगाना गलत, चित्त को वेस्ट ही नहीं करना चाहिए। सुबह क्या खाएंगे जी, शाम को क्या खाएंगे जी, अभी क्या खाइएगा जी, कल क्या खाइएगा जी। मैं तो पेरिस गई तो मैं तो हैरान हो गई पेरिस के लोगों को, मैंने सोचा इनके जैसे खाओबीर दुनिया में नहीं होंगे। साहब वो लंच पे अगर बुलाते हैं तो एक घंटा पहले वहां छानबीन यही होती है कि आप क्या खाइएगा, वो मेनू लाते हैं, फिर उसको रगड़ते हैं, फिर इसको देखते हैं, फिर वो कहते हैं अच्छा मैं ये, फिर उसमें ये, फिर उसमें वो। अरे सबका जायका एक ही मुंह में, मेरे तो मुंह में एक ही चाय, मेरे स्वाद हो, इतनी मेहनत कराएंगे एक घंटा भर और उस घंटे के बाद उससे तब तक शराब पीते रहेंगे, उसके बाद क्या अच्छा लगता है भगवान जाने इनको। फिर उसकी इतनी बारीकी निकाल निकाल के बताएंगे कि मेरे लिए ये ला, मेरे लिए वो ला। अब उसी लिए वो जो बेचारे वहां के बेरर्स होते हैं वो बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं क्योंकि वो हर एक चीज जैसा आदमी कहता वैसा देते। अब उसी वक्त वो बनना चाहिए और ये होना चाहिए और वो होना चाहिए और जायका देखे तो किसी काम का पता नहीं क्या करते रहते। एक घंटा मनुष्य ने वहां बर्बाद कर दिया कि इसमें ऐसा खाएंगे कि वैसा खाएंगे, आज मेरा मन ये खाने को है, कल मेरा वो खाने को है, परसों मेरा ये खाने को। फिर हमारे यहां लोग हैं उपवास की बीमारी लगी, ये अच्छा एक और बना दिया कि उपवास करो।
उपवास करना है तो पहले से विचार हो रहा कि भाई कल उपवास है तो क्या खाना चाहिए उपवास के लिए। इसमें तो सिर्फ सिंघाड़े का ही आटा चलता है, तो सिंघाड़े का आटा चलो खारी बावली चलो वहां से लाए, कहां मिले, और नहीं मिलेगा तो उपवास कैसे होगा। चलो यही चला। फिर फलाने को फोन किया, उससे कहा कि भाई उस जगह में जो दिखाई गया दिया था मैं ले आता हूं। फिर वो गए लाने। इसी तरह से इसकी हवा चल पड़ी, आज तो उपवास है। शुक्रवार को कहने लगे काहे का संतोषी माँ का यहाँ सब लोग उपवास करते हैं। अरे उस दिन तो कभी भी नहीं करना चाहिए, जिस दिन उनका जन्म हुआ संसार में उसी दिन उपवास करने को किसने बताया। अब ये ब्राह्मणों के भी चक्कर मैं कहां तक बताऊं, यहां बैठे हैं दो चार मेरा सर फोड़ देंगे। जिस दिन किसी का जन्म होता है उसी दिन उपवास बताते हैं, संगष्ठी के दिन उपवास बताते हैं। अतः बताओ ये कहां का कॉमन सेंस है कि जिस दिन श्री गणेश का जन्म हुआ उसी दिन उपवास बताते हैं। अरे कोई उसमें सेंस होना चाहिए, कोई उसमें अर्थ बनना चाहिए। जिस दिन संतोषी माँ का जन्म हुआ उसी दिन उपवास बताते हैं, उसी दिन खट्टा नहीं खाने का, माने उनको जो चीज पसंद है वही चीज नहीं खाओ उस दिन। ये उनको प्रसन्न करना है कि ये तो पक्का जो नेगेटिव तांत्रिक है वो ऐसे ही करता कि जिस चीज से माँ अप्रसन्न हो वही करो। पहली बात सीधी बताएं, हमें तो भाई कोई भी उपवास बच्चे ने किया हुआ अच्छा नहीं लगता, कोई भी उपवास करने की जरूरत नहीं। ऐसी कौन सी आफत आई है उपवास करने के लिए? हाँ ठीक है आज ये मन नहीं तो चलो आज फल खा लिया हो गया, पर उपवास उपवास करने की किसी को जरूरत नहीं। सहयोग में मुझे क्या यहाँ पर टीबी पेशेंट घुमाने के हैं क्या? एक एक वो क्राइस्ट का चित्र बनाते हैं कि एक टीबी पेशेंट जैसा वो खड़ा हुआ है, उसकी टांगे और हाथ पैर ऐसे है कि जैसे हड्डियां लटक रही। अरे क्या क्राइस्ट की ऐसी शक्ल हो सकती है? खुद भी तो सोचो, खुद दिमाग लगाओ कि क्या क्राइस्ट जैसे इतने पहुंचे हुए ब्रह्म स्वरूप की ऐसी शक्ल हो सकती है क्या? वो तो एकदम चमकता हुआ फूल जैसे काफी रोबीला आदमी था, आप जैसे दसों को पछाड़ के उधर गिरा दे। अब ये दुष्ट फ्रेंच आर्टिस्ट जो खुद ही ऐसे ही औरतों जैसे चलते हैं, उन्होंने क्राइस्ट की ये शक्ल बना के रख दी, तो अब क्या करें? कम से कम अपने देश में रामचंद्र जी ऐसे कोई नहीं बनाएंगे। इतनी अपने यहां रिष्ट पुष्टता है कि हमेशा सीता जी रामचंद्र जी शरीर के भरे हुए गोल बदन के और सौंदर्य रूप बनाएंगे। इस तरह से मरगिल्ले जिनके की अंदर सारा एक खपड़ी गई हुई है, ऐसे आदमी को देख के तो ऐसे ही लोग मांग जाए। ऐसे लोग किसका कल्याण कर सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं? तो ये उपासड़े बना करने की कोई जरूरत नहीं, वो तो सत्याग्रह गांधी जी ने किया तो कर दिया सबके लिए। आप लोग कोई भी उपास करने की जरूरत नहीं, इसे माँ प्रसन्न नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं कि खाते ही रहो। आदमी एक्सट्रीम पे जाता है ना कि माँ ने कह दिया खाने के लिए, दूसरे दिन देखा ये पेट लेके चले आ रहे, माँ मेरे पेट का इलाज करो, तो बात कितना अपना नित्य खाना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, लेकिन बीच में चलिए, अतिशयता भी नहीं होनी चाहिए और कमी भी, एक समझदारी से काम लेना चाहिए। साधारण तौर पे कहना चाहिए कि ज्यादा खाने में आदमी का विचार नहीं रहना चाहिए, खाने से कमी रखनी चाहिए, क्योंकि धर्म के हिसाब में बैठता है कि खाना जो है ग्रह लक्ष्मी का बनाया हुआ वाइब्रेटेड अच्छा खाना, जिसको कि कहना चाहिए कि जो धार्मिक खाना है उसे खाना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की बात मैं करें, बिल्कुल भी नहीं, उसका भी एक्सट्रीम देखिए कितना पहुंच। जैनियों ने वेजिटेरियनिज्म का इतना एक्सट्रीम कर दिया है कि अब मेरी समझ में नहीं आता है कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या दे, कि उनके यहाँ एक कमरे में एक ब्राह्मण को रख देते हैं और जितने भी गाँव के खटमल है वहां भर देते हैं, उस ब्राह्मण को वो खटमल खाते हैं और उस ब्राह्मण को रुपया दिया जाता है इसका। अब ये बताइए वेजिटेरियनिज्म है, मुझे क्या खटमल को रियलाइजेशन देना या मुर्गियों को देना? अरे मुझे तो इंसान को देना है, मुर्गियां बचा के करोगे क्या? नहीं तो खटमल और वो जो मच्छर होते हैं उन्हीं को लेकर मुझे सब बोलना पड़ेगा? ऐसी दया करने की जरूरत नहीं है, साधारण तौर से जो कुछ आपका आहार व्यवहार है वो करो। लेकिन कभी कभी इस चीज से और भी डेंजरस बातें हो जाती, जैसे कि मैं आपसे बताऊं
डेनमार्क में एक लामा साहब पहुंचे, लामा नाम लामा, और उन्होंने कहा कि साहब हम तो सिर्फ मार्बली के फर्श पे चलते। वो चारे डेनमार्क के बच्चों ने पैसा इकट्ठा करके उनके लिए मार्बल के फर्श बनाया। बताइए डेनमार्क में मार्बल में मारे गए वो। उसके बाद लामा जी पहुंचे वहां अपने शर्मनाक से, उन्होंने कहा कि साहब हम तो वेजिटेरियन है, आपको सबको वेजिटेरियन होना पड़ेगा। अब डेनमार्क में इतनी वेजिटेबल्स नहीं मिलती, आलू आलू के सिवाय खास मिलती नहीं बेचारों। अब जबरदस्ती का राम राम, उनका चलो भाई वेजिटेरियन खाएंगे। सब दुबले पतले हड्डियां सबकी निकल आई, ये धसड़ गए। और लामा जी अपने खाते खूब है। और मैंने कहा भाई तुम्हें सेक्स वेक्स के मामले में क्या बताया लामा जी ने? नहीं लामा जी ये कह रहे थे, ठीक नहीं थे, लामा जी ये कह रहे थे कि ये तो तुम्हारी संस्कृति की बात है, तो जो करना है करो। अंत में हमने ये सुना, सच बात बताती हूँ आपसे, विश्वास नहीं करेंगे, कि वहां से दो लड़कियां आई और वो हमसे कहने लगी कि माता जी हम तो वहां प्रेग्नेंट हो। ये इनका वेजिटेरियनिज्म है। और वो जितने भी लोग हैं उसको पछाड़ दिए, क्योंकि जो आदमी नॉर्मली जो खाना खाता है उससे आप हटा दीजिए तो कमजोर हो जाता है, फिर उसके अंदर भूत भरना बहुत आसान। आप किसी को कमजोर कर दीजिए उसको फिर भूत भरी। रामचंद्र जी जो थे क्षत्रिय थे, सब खाते थे कि नहीं खाते? उन्होंने हिरण किसके लिए मारा था? यानी जैनियों ने तो ये हद कर दी कि कृष्ण के लिए ये कह दिया कि ये भगवान नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्हें संहार नहीं किया। राक्षसों का संहार अगर कृष्ण जी नहीं करेंगे तो जैनी जाके करेंगे? राक्षसों का क्या संहार नहीं करना चाहिए? वो क्या हिंसा होती है? हिंसा का भी धर्म होता है। जो कुछ हितकारिणी चीज है वो सब धार्मिक है और वो करनी पड़ती, गुस्सा भी करना पड़ता है। अगर क्रोध नहीं करिए तो भूत भागते ही नहीं है, कभी कभी चिल्लाना पड़ता है कि भाग जा तो भागता है, ये तो भागता ही नहीं, चिल्लाने में कोई हर्ज नहीं। अगर उसी से भागता है, अगर वो गुस्सा ही समझता तो भगाना चाहिए कि क्या नहीं? साहब उसके आगे हाथ जोड़ के कहे भाई तू इसके शरीर को छोड़ दे, मैं बिल्कुल नॉन वायलेंट हूँ, तो किसी तरह से इसके शरीर को छोड़, तो भूत आपके ऊपर भी आके बैठ जाएगा। जहां डांटना पड़ता है वहां डांटना ही पड़ता है। आप देखिएगा कि पहले तो लोग झाड़ू वाड़ू मारते थे, वो तो छोड़िए आपका, झाड़ू नहीं मारिए, झाड़ू छाड़ लगानी पड़ती, भागते हो कि नहीं भागते हो? तो भाग जाते। कभी कभी कहना पड़ता है कि तुम्हें शाप दे दूंगी अगर नहीं जाओगे, तो फिर बुरिया बस्तर लेकर के चले जाते। आप देखना कभी कभी ये क्या चीजें होती हैं, ये भी एक देखने की चीज है। तो गुस्सा नहीं आना चाहिए, ये भी एक अजीब तरह की चीज है। हमारे बंबई में एक प्रोग्राम हो रहा था, काफी लोग थे, उसमें एक माँ के भूत चढ़ाया, ऊपर चढ़ के आया मेरे, वो उन्होंने किताब विताब फाड़ी, मेरे ऊपर फेंका, मुझे 10 गालियां सुनाई, मैं तो देखती रही। उसके ऊपर फिर कुछ लोग बिगड़े कि तुम माँ को ये सब नहीं कह सकते हो, उनका देखो तुम सहयोगी हो, शांति से बैठो, तुमको गुस्सा नहीं करना चाहिए। मैंने कहा इसको दो लोग पर लगाओ भी। और बोलेगा तो इसको पुलिस में भागा वहां। मतलब ये है कि अब वो दिन बीत गए कि जब साधु संतों को सताया जाता था, अब ये दिन आ गए कि खबरदार जब किसी ने भी साधु संतों की तरफ टेढ़ी आंख की है तो उसकी आंख ही नोच ली जाएगी, उसके बगैर अब ठीक नहीं होने वाले। हर समय साधु संतों को छलने का अधिकार किसने दे रखा है मनुष्य? ये नया जमाना आ गया है, बहुत हो गया। अब सबके जितने गुप्त है सबके सब निकाले जाएंगे, सबने जो जो अधर्म किए हैं सबको ठिकाने लगाया जाएगा। साधु संतों को छलने का किसी को अधिकार नहीं। पहले तो ये कहते थे हाँ इनको पाप लगेगा, अब पाप पाप जो लगेगा उसी क्षण दिखाई देना चाहिए, नहीं तो साधु संतों की जो तकलीफ है वो दूर नहीं जा सकती। कितना छला है हमने साधु संतों, यह अधर्म की वजह से। जब नाभि में अधर्म हो जाता है, जिस वक्त में यहाँ सारा अधर्म छा जाता है, तब श्री विष्णु जी अवतरण लेते और वो अनेक रूप से आए हैं। आपको मालूम है स्त्री रूप भी वो आए, इन लोगों की साधु संतों की रक्षा करने के लिए वो आते हैं। और उसी वक्त में मैंने आपसे बताया था कि दुर्गा जी हृदय चक्र में बीचों बीच यहाँ आकर के जगदम्बा स्वयं साक्षात यहाँ पर उतर आती हैं, और उन्होंने अनेक बार जन्म लिए, ऐसे कहा जाता है कि उन्होंने हजार बार जन्म लिए, लेकिन उन्होंने अनेक अंशावतार भी लिए और संसार में आकर के वो रक्षा करती, सत्व की रक्षा करती है, सत्व गुणों की रक्षा करती है। उस रक्षा के बाद जब मनुष्य यहाँ उठता है तो ये जगदम्बा का स्थान है और यहाँ जगदम्बा विराजती है आपके हृदय में, हृदय के बीच में होता है और हृदय आपके लेफ्ट में होता है। हृदय में शिव जी का स्थान है जिसको कि आत्मा स्वरूप कहते हैं,
वो शिवजी वहां हृदय में रहते। अगर कोई आदमी कहे कि हमें हार्ट अटैक आ गया, तो हम उससे अगर कहें कि अच्छा तुम परमात्मा से क्षमा मांगो, उनसे कहो कि हे करुणानिधि तुम हमें क्षमा, हमने अगर कोई भी गलती की हो, किसी भी तरह से हमने कोई गलत काम किया हो, तो हमारी तुम क्षमा कर। चरण कृतम वाकायजम कर्म जम श्रवण नयन जम वा मानसम वापराधम विहितम विहितम वा सर्वमे तत्क्षमस्व जय जय करुणाभे हे महादेव शम। ये इसका मंत्र है। और अगर उसका हाथ ठीक नहीं हो जाए तो जो कहिया मार जाए। लेकिन ये आपके कहने से नहीं होगा, इसको रियलाइज सोल चाहिए, क्योंकि उसका कनेक्शन परमात्मा से हो गया है और उसने अगर क्षमा मांग ली तो मान्य है, क्योंकि भोले शंकर है ना। लेकिन कनेक्शन होना चाहिए, उल्टे अगर आप शिव जी के भक्त हैं तो आपको हार्ट अटैक आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि उनसे बगैर परमिशन लिए। बाप रे बाप, शिव जी आपको तो प्राइम मिनिस्टर को भी मिलना होता है, 100 बार उसको चिट्ठी लिखनी पड़ती, पर शिवजी तो सबके नाना के दादा हैं, वो बहुत बड़ी चीज है। उनका फटाक से मुंह में नाम लेना कोई सोपी चीज नहीं है कि आप ले लेते हैं हर एक का नाम। नहीं, उनका नाम लेने के लिए देखिए उनके साथ में कैसे कैसे लोग बैठे हुए, ऐसे खड़ाक खड़ाक वो गणक लोग आपको मारेंगे कि आप ठीक हो जाइएगा। इसलिए कभी भी शिवजी का नाम बगैर रियलाइजेशन के कभी भी न लेना। रियलाइजेशन के बाद अत्यंत नतमस्तक होकर उनसे क्षमा मांगते हुए उनका नाम लेना चाहिए। बहुत ही ह्यूमिलिटी की जरूरत है अगर शिवजी का नाम लेना है तो, और उनको सिर्फ ह्यूमिलिटी पसंद आती है, और इसी ह्यूमिलिटी की वजह से बड़े बड़े राक्षसों ने भी उनको पाया। बहुत ही हम्बल आदमी को होना चाहिए, हमेशा अपनी गलतियां मानते हुए उनके चरणों में रहने वाले के लिए वो प्रसन्न रहे। अगर आपको अपने हाथ थोड़ा बहुत थामा ना, अब तक का फोटो खाते सगरे डिस्टर्ब हो रहे, का विशेष है, मैं क्या प्राइम मिनिस्टर है, भाषण देते वक्त क्या विशेष रूप आने वाला है मेरी समझ में नहीं आता, गया ऐसा करें क्या घूम गया, चला सगले डिस्टर्ब हो रहे। अच्छा, शिवजी का ये स्थान है। शिवजी जो है वो हमारे अंदर आत्मा स्वरूप हृदय में रहते, एक ज्योत की तरह हमेशा जलती रहती है, और वो सब चीज को जानते हैं कि आपके अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वही क्षेत्रज्ञ जिसे कहते हैं, वो उस परमेश्वर के सामने आप कोई गलती ना करना। अगर की है तो बिल्कुल माफी मांग लीजिए, क्योंकि फौरन आपका हृदय चक्र पकड़ जाएगा, हृदय पकड़ लेगा। अगर आपने गलती करी हो तो हृदय पकड़ लेगा। इसलिए आप याद करिए कि आपने क्या गलती की है। अगर कुछ नहीं याद हो तो प्रभु कुछ भी गलती हो गई माफ कर दो, उनके माफी मांगे बगैर हृदय नहीं छूटता। आप कोई भी तरह का एक्सट्रीम व्यवहार करने से वो बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। इसीलिए मैं हठ योगियों से कहती हूँ कि हठ योग छोड़ो, हार्ट अटैक आएगा। सिर्फ आसन करना ही कोई हठ योग नहीं होता है, इसमें 6 तरह की चीजें होती हैं, आप जानते हैं, यम नियम होने चाहिए। सिर्फ ब्रह्मचारी कोई हठ योग करना चाहिए, और वो भी जंगलों में जाकर 25 साल से पहले हठ योग की सारी क्रियाएं खत्म करनी है। ये लिखा हुआ है, अगर कोई आप पतंजलि पढ़े तो आपको पता होगा कि ये कहीं भी लिखा नहीं है कि घर गृहस्थी में रहने वालों के लिए हठ योग है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। गुरु होने चाहिए, ईश्वर प्रणिधान होना चाहिए, उसमें से प्राणायाम और व्यायाम आसन आदि, ये तो बहुत ही छोटी सी चीज है आसन पे खासकर। फिर आसनों में भी आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन से चक्र में कौन सी खराबी है। अब आपका पेट खराब है, आसन आप गले का करो तो गला तो खराब होएगा, पेट भी खराब हो जाएगा। कौन सी चीज कहाँ करनी चाहिए इसका सबका साइंस है। कौन से मंत्र का कहाँ उच्चार करना चाहिए इसका सारा साइंस है। आपका अगर हृदय पकड़ा हुआ है और आप विष्णु जी की भक्ति कर रहे हैं तो क्या फायदा हो, एक तो आपका विशुद्धि चक्र पकड़ा जाएगा, क्योंकि विदाउट परमिशन आप कर रहे हैं इसलिए विशुद्धि चक्र पकड़ा जाएगा। शिव जी आपसे नाराज हो जाएंगे, और विष्णु जी का आप नाम ले रहे हैं इसलिए आपका पेट भी खराब हो जाएगा। जो अच्छे भले थे वो बिस्तर में पड़ जाएंगे, नहीं तो अस्पताल में पहुंच जाएंगे, और कहेंगे हम तो इतने धार्मिक, माता जी रोज हम पाठ करते हैं पर हम तो अस्पताल में पड़े हैं। अब इसमें दोष आपके अज्ञान का है। सबसे बड़ी चीज ये है, इस सब का सब की माफी होती है, इस सब चीज को परमात्मा क्षमा कर देते हैं, सब चीज ठीक रह सकती है, अगर आप एक चीज पे डटे रहें, परम श्रद्धा। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज, अगर परमात्मा के प्रति बिल्कुल इनोसेंट श्रद्धा है
कोई क्वेश्चनिंग नहीं है। परम श्रद्धा परमात्मा के प्रति रखने वाले आदमी को कभी न कभी परमात्मा तो मिल ही जाते हैं, पर वो अगर कोई सा भी ऐसा कार्य करता है तो वो क्षम्य हो जाता है। वो अगर परमात्मा को याद करता है वो क्षम्य हो जाता है, क्योंकि परमात्मा जानते हैं ये श्रद्धा का इसका सूत्र हमारे साथ चला। लेकिन श्रद्धावान आजकल कोई है नहीं, फैशन में ही सारा काम कर रहे हैं, इसलिए उसका अपोजिट रूप बन जाता है, इसलिए आदमी उल्टे दशा में आ जाता है, उसकी उल्टी गति हो जाती, उसका उल्टा असर आ जाता है, जो करने जाते हैं बराबर उसके उल्टा आता है। जैसे मैंने आपसे बताया कि हरे रामा हरे कृष्णा वाले जितने भी हैं सबको थ्रोट का कैंसर हो रहा है, मेरे पास कितने उनके आते हैं। मैंने कहा भाई तुम आश्रम के जगह कैंसर हॉस्पिटल खोल, अब उनसे कहो कि भाई हम तो हरे राम हरे कृष्णा करते हैं, हमें क्यों कैंसर हो रहा है। भाई वजह यह है कि आपके विशुद्धि चक्र में आप श्री कृष्ण का नाम ले रहे हैं, उनसे कोई परमिशन नहीं लिया आपने, उनसे आपको परमिशन लेनी चाहिए। अगर आपने बगैर परमिशन के सुबह से शाम तक उनका नाम जपना शुरू कर दिया तो वो कोई आपके नौकर है। लेकिन ये तो तब समझ में आता है जब कैंसर हो जाता है, फिर कोई बताता है कि माता जी कैंसर ठीक करते हैं, तब वो आते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि ऐसी उनकी दुर्दशा होती है कि मैं उनसे अगर कुछ पूछना भी चाहूं तो भी उनके मुंह से वही शब्द निकलते रहते। इस तरह से कोई सी भी बेवकूफियां करने से इतनी तकलीफ हो सकती है। आप सोच सकते हैं छोटी चीज इलेक्ट्रिसिटी जैसे लीजिए, जो कि बहुत ही साधारण शक्ति, उसमें भी अगर कहीं आप उंगली घुसेड़ दीजिए तो आपको शॉक बढ़ जाता है। ये जो महान प्रचंड शक्ति परमात्मा की बह रही है उसके प्रति अनादर, उसके प्रति अज्ञान, कितना नुकसानदेह हो सकता है, इसको समझना चाहिए। और इसीलिए आपको एक से एक चीज मैं बताने वाली हूँ। कोई भी चीज गुप्त से गुप्त तरतम, कोई सी भी चीज आपसे मैं छिपाने वाली हूँ, इस शक्ति के बारे में मैं हर एक चीज आपको बताने वाली हूँ, जिसे बाद में आप मत कहना कि माँ तुमने नहीं बताया। इसके लिए समझने की जरूरत है। उससे ऊपर में यहां मैंने बताया था कि रामचंद्र जी का स्थान है राइट साइड में, क्योंकि उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम यहाँ पे राइट, ये जो रजोगुण है उस पर बैठे हुए पिंगला नाड़ी के ऊपर में। अब उनके बारे में क्या बताएं, आप तो जानते ही हैं, उनके बारे में जितना ही बताया जाए वो कम है। लेकिन वो पिता स्वरूप है, इसलिए जब अपना पिता तत्व बिगड़ता है, यानी पिता के प्रति या हम पिता होते हुए, तब ये भी बिगड़ जाता है। विशेषकर जो पुरुष और औरतों के पीछे में दौड़ते हैं, अपने पत्नी की इज्जत नहीं करते हैं, उनका ये चक्र पकड़ जाता है, उनको श्वास की बीमारी हो जाती है। सीधा हिसाब, हृदय चक्र अगर आपका पकड़ा है तो रामचंद्र जी का जो महान तत्व है एक पत्नी व्रत, उसके आप विरोध में हैं। या तो आप शादी मत करिए, शादी करते वक्त आप इतने उछलते हैं कि बस कुछ पूछे नहीं, और शादी हुई और आपका सब धर्म नष्ट हो गया, फिर बीवी आपके बीवी से बढ़ के कोई बुरी औरत नजर में नहीं आती। जैसी भी पत्नी है उसको लक्ष्मी स्वरूप मान करके उसे स्वीकार करना चाहिए। यही रामचंद्र जी का तत्व है एक पत्नी व्रत में। और जो आदमी इसके विरोध में पड़ता है, ठीक है आपको मंजूर नहीं है, आपसे उनसे बिल्कुल पटता नहीं है, आपसे उनकी खराबी है, तो सहयोग में उनको ठीक करने का भी इलाज बहुत सारा है। उनको ठीक रास्ते पे आप ला सकते हैं, लेकिन उनका आप अनादर नहीं कर सकते, उनके पत्नी तत्व का आप अनादर नहीं कर सकते। और अगर आपने उनका अनादर किया है तो इसका मतलब यह है कि आप रामचंद्र जी का जो आपके अंदर तत्व बना हुआ है उससे आप चूक गए। उसी प्रकार रामचंद्र जी एक आदर्श राजा थे, और जब कोई राजा अपने आदर्शों से गिर जाता है तब भी उसका ये चक्र पकड़ता है, मतलब पिता स्वरूप थे वो। और ऐसे राजा को पिता स्वरूप मर्यादा में रहने वाला राजा होना चाहिए। फिर आप ये भी पूछेंगे अगर स्त्री बच्चलन हो जाए तो उसका क्या होता है, तो उसकी लेफ्ट साइड पकड़ जाती है माँ काली, उसकी लेफ्ट साइड उदय की पकड़ जाती है, तब उसको कहना चाहिए कि ये औरत बच्चलन हो गई। अगर उसके बीच की पकड़ गई हो तो उसी से ये कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट होता है, जब स्त्री को ऐसा लगता है कि मेरी सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो खराब हो, जब उसकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी खराब होती तब स्त्री को ब्रेस्ट का कैंसर होता है। जब ऐसी चीज आ जाती है तब उसका इलाज यही है कि स्त्री को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। बहुत से औरतों को आस्थमा की बीमारी हो जाती है, धड़कन की बीमारी हो जाती है, तब भी उनकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी हिल जाती है। जैसे अपने यहाँ तो नियम बना हुआ है कि कोई भी बहू घर में आए जब तक उसका कचूमर ना निकाले तब तक कोई वो ससुराल आई नहीं। जब बहू घर में आए तो उस पर हजारों तरह के लांछन उसके बाप दादाओं से लेकर के शुरू हो जाएंगे।
कि तेरे बाप ने यह किया, तेरे बाप के बाप ने यह किया और तूने ये किया और तू ऐसी और तू ऐसी। जब इस तरह की चीजें शुरू हो जाती हैं तब आप सोचे कि उस लड़की का ये हृदय चक्र पकड़ करके बीच में उसको सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होता है। जब सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी उस लड़की में आ जाती है तभी उसके अंदर में हृदय चक्र की जिसको कहना चाहिए पकड़ आ जाती है। उस चक्र में औरतों के ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। इंग्लैंड अमेरिका में ये बीमारी बहुत जरूरत से ज्यादा है क्योंकि वहां किसी भी आदमी का थारा नहीं और किसी औरत का भी थारा नहीं। उस डावाडोल व्यवस्था में औरतों को ये बीमारी बहुत ज्यादा हो जाती है क्योंकि औरत मन ही मन हमेशा चाहती है कि अपना एक घर हो, घर के अंदर हम आराम से रहें, जहाँ हमारे पति अपने हों और हमारे बच्चे। लेकिन समाज व्यवस्था के कारण अगर वो इस तरह से डावाडोल हो जाए तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है जी, ठीक है ना, बस 10 मिनट और उससे ऊपर जो विशुद्धि चक्र है जिसके बारे में मैं आपसे कल कह रही थी बताने के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह विशुद्धि चक्र 16 कलियों से बना हुआ है। इसी तरह के 16 सब प्लेक्सेस हमारे सर्वाइकल प्लेक्सेस में है। इससे हमारा ईयर, नोज, थ्रोट, मुंह के सब मसल्स, आंख के बाहर का हिस्सा, सब कुछ इसी से संचालित होता है। यहाँ तक कि जो साइनस वगैरह की बीमारियां होती वो भी इसी के खराब हो जाने चाहिए। इसकी 2 शाखाएं हमारे हाथ की ओर भी जाती है। इस वजह से बहुत लोग पार हो जाते हैं और उनके हाथ में कोई भी तरह से वाइब्रेशंस नहीं आते, तो समझ लेना चाहिए कि आप पार तो हो गए हैं लेकिन आपके हाथ में कुछ वाइब्रेशंस इसलिए नहीं महसूस हो रहे क्योंकि आपका विशुद्धि चक्र खराब है। विशुद्धि पर जाकर के श्री विष्णु जी जो है वो विराट हो जाते हैं। वो विराट मतलब यह कि कलेक्टिव, जब मनुष्य में कलेक्टिवनेस नहीं होती है, बहुत सेल्फ सेंटर्ड होता है, अपने ही बारे में सोचता है, उसमें कोई भी सोसाइटी के बारे में विचार नहीं होता है, दूसरों के प्रति विचार नहीं होता है, तब भी ये चक्र पकड़ सकता है। दूसरी चीज है जिसे कि हम लोग जानते हैं कि तंबाकू। तंबाकू अक्षय सिंह है, ये पूतना का उत्तरण है। ये कृष्ण के पीछे हाथ धो के लगी रहती है, वो जब हम लेते हैं किसी भी तरह से तो ये चक्र पकड़ लेते हैं। ये विराट, विराट जिसे हम अकबर कहते हैं, इसीलिए मुसलमान इसे अल्लाह हो अकबर कहते हैं। जिस अकबर की बात मोहम्मद ने की थी वो कृष्ण थे। उन्होंने कृष्ण के बारे में कहा था कृष्ण ही विराट रूप धारण किए थे। मोहम्मद साहब का और कृष्ण का कोई भी कभी झगड़ा रह ही नहीं सकता क्योंकि वो गुरु तत्व थे और वो विराट तत्व है। तो आप कहेंगे कि क्या वो फिर वो बड़े हो गए? आपके इसमें आंख बड़ी है कि नाक बड़ी है, कान बड़े हैं कि मुंह बड़ा है? सबकी अपनी अपनी जगह, अपना अपना स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए विराट का स्थान, ये विराट ही के समझ लीजिए चित्र है और विराट ही के अंदर इस तरह के चक्र हैं और इन्हीं इन्हीं के एक एक सेल सेल में आप लोग बैठे हो, जिसे कहना चाहिए कि माइक्रोकोजम एंड मैक्रोकोजम, माने इसी सेल सेल से ये बड़ा भारी सेल बना है और हर एक सेल उन्हीं के जैसा बना है। जिस वक्त इसमें बैठे हुए छोटे छोटे सेल को ये जागृति हो जाती है कि ये विराट का वो एक स्वरूप है, उसी वक्त रियलाइजेशन हो जाता है। आप कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, आप महसूस करने लग जाते हैं कि जैसे ये बहन जी हैं, इनके कौन से चक्र पकड़े, इनकी कहाँ पर है अभी, ये इनकी कुंडलिनी कहाँ उठी, कहाँ तक पहुंची। छोटे छोटे बच्चे भी जब इस स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं विराट के, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के, तो बता सकते हैं। जैसे अभी प्रज्ञा हमारी है, छोटी सी है, मेरी ग्रैंड डॉटर 2 ही साल की, वो भी बता देगी आपका कौन सा चक्र पकड़ा, क्योंकि वो उंगलियों में महसूस होने लग जाता है, एक नई जागरण जागृति हो जाती है। आप महसूस करने लगते हैं कि यहाँ 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 कहाँ पर कौन सी चीज पकड़ रही। इस विराट के तत्व को बहुत समझने की जरूरत है। जब आप तंबाकू खाते हैं तो आप अपने अंदर के विराट को खत्म कर देते हैं। अपने अंदर बसा हुआ विराट जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है उसको आप खत्म करते हैं तो कितनी गंदी चीज यह है बताइए, कितनी बुरी चीज यह है इसका आप अंदाज बताइए। यह संसार में परमात्मा ने बनाई क्यों, ऐसा किसी ने प्रश्न किया था, तो वो बनाई है क्योंकि ये कीड़े मकोड़ों को मारती, इंसेक्टिसाइड है। भगवान को क्या मालूम था कि महामूर्ख मनुष्य इंसेक्टिसाइड खाने लग जाएगा, उसको नहीं पता था, उसने ऐसी बना दी, वो भी क्या करे।
अब ये कहेंगे कि शराब क्यों बनाई, तो शराब पॉलिशिंग के लिए बनाई है, सिर्फ पॉलिश है, पॉलिश, कहीं मेटल पॉलिश है तो कहीं वुड पॉलिश है तो कहीं डायमंड भी पॉलिश करना तो जिन से कर सकते हैं, सिर्फ पॉलिश है, वो पॉलिश पीने को किसने बताया था, आप कोई भगवान ने तो नहीं बताया था ना, तो आप लोग क्यों पीने लग गए? अब कल अगर आप मिट्टी खाने लग जाएं, मिट्टी से भी बदतर कुछ और करने लग जाएं, तो क्या करें? इसमें परमात्मा का कौन सा दोष है, या आपके अकल का दोष? अगर आप इस पॉलिश को पिए नहीं तो आपको चढ़े ही ना, लेकिन आप उसको ही पिएंगे जो गलत चीज है। और एक समझ में नहीं आता कि जब एक आदमी जाता है पीने और झींकता हुआ आता है, उसको देख के भागना चाहिए, तो फिर उसमें 10 आदमी और घुसते। अब बताइए मनुष्य की क्या बुद्धि है, एक आदमी अभी अंदर से निकला और नाली में गिर गया, बाकी लोगों को उसकी दशा देख के वहां से भागना चाहिए कि बाप रे बाप ये क्या चीज है पता नहीं, उसको नाली में गिरा देख करके 10 आदमी और वहां जाते हैं और क्यों लगाते कि हम भी नाली में गिरना चाहते, हमको भी पिलाओ भाई। उस पर फिर कविता लिखते हैं, बड़े बड़े आख्यान लिख दिए, बड़ा बड़ा कमाल लिख दिया, बाप के खिलाफ मैंने बोलना शुरू कर दिया कि 8-10 आदमी उठ के खड़े हो गए जाने के लिए। तो क्या मुझे ये कहना चाहिए अभी नहीं गया, अभी नहीं गया, पहले मैं उसकी प्रस्तावना दे रही कि शराब की बात निकाली और उठ के भागे, तो क्या मैं कहूँ बेटे खूब पियो? ऐसे कहने वाले भी गुरु बहुत है, वो कहते बेटा पीना हो पियो, तंबाकू खाओ, अपनी जिंदगी बर्बाद करो, बस तुम्हारी पर्स मेरे पास, इतनी तो व्यवस्था कर दो, फिर मुझे कोई अर्ज नहीं। स्मगलिंग करो, चोरी करो, बदमाशी करो, डकैती करो, चाहे लोगों को मर्डर कर दो, पर्स इधर रखो, बस तुम्हारा मेरा रिश्ता इतना ही है कि तुम्हारे कमाई का कुछ हो तो भी 16वां हिस्सा मुझको मिलना चाहिए। यह श्री कृष्ण का स्थान, इसमें श्री कृष्ण जो है पूर्णावस्था में पहुंचे हुए हैं। मनुष्य भी पूर्णावस्था में तब पहुंचता है जब वो साक्षी स्वरूप हो जाता है, जब सारा संसार उसको लीलावत मालूम होता है, सारे एक लीला चल रही है। ये तभी हो सकता है जब आप रियलाइज होंगे। कृष्ण इसके अलावा डिप्लोमेसी के बड़े भारी अवतरण है, संसार की सारी डिप्लोमेसी कृष्ण के चरणों से निकली। वो इतने बड़े डिप्लोमैट थे कि उन्होंने आप लोगों के भी बहुत सालों से बेवकूफ बना के रखा, क्योंकि वो समझ गए सीधे बात बोलेंगे तो माताजी को सब लोग तो मारने ही वाले, तो वो माताजी नहीं, वो तो पिताजी है। और उन्होंने कहा बेटे ऐसे ही चलते रहना, जब तक ऐसे चलते रहोगे ठीक ही है, जब सर फूटेगा तो अपने रास्ते पे आएंगे, पीछे मुड़ के कहते। जैसे कि उन्होंने कर्म की थीरी दी कि कर्म को करते रहो लेकिन फल भगवान पे छोड़ो, क्योंकि अर्जुन को पहले बता दिया कि भाई, दूसरे ही चैप्टर में उन्होंने बता दिया कि भाई उसको पाओ, उसका ज्ञान पार हो जाओ सीधे हिसाब में। तो अर्जुन साहब कहने लगे इधर तो मुझसे कह रहे हो कि तुम पार हो जाओ, साक्षी हो जाओ, और उधर कह रहे युद्ध में जाओ। उनका समझ गया समझ गया समझ गया, अब डिप्लोमैट है ना। मैं कहती हूँ जैसे एक बच्चा है, एक बैलगाड़ी रख के खड़ा हुआ है या घोड़ा गाड़ी, और घोड़ा पीछे में है, तो बाप बाहर आया झोपड़ी से, बोलता भाई उसको घोड़े को आगे करो। उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो यहीं बैठ के हाँकूंगा। कहा अच्छा ठीक है, हाँकी हाँकी, सिर्फ चित्त घोड़े पे रखिए। अब वो हाँक ही रहा है सालों से, 6000 वर्ष से मनुष्य इसी तरह से हाँक रहा है, और बहुत से लोग मुझे ऐसे मिले, मुझे कहते माता जी मैं तो सिर्फ कर्म करता रहता हूँ, उसका फल मैं परमात्मा पे डालता। ऐसे भी सेल्फ सेटिस्फाइड लोग बहुत सारे मिले, हो ही नहीं सकता। ये डिप्लोमेसी होती है। डिप्लोमेसी का तत्व क्या है आपको मैं बताऊं? डिप्लोमेसी का तत्व यह है कि एब्सर्ड कंडीशंस डाल दो, आदमी अपने झमेले में आ जाए। अब देखिए शब्दों का खेल देखिए कि कर्म को करते रहो और फल परमात्मा पे डालो, हो ही नहीं सकता, एब्सर्ड कंडीशन डाल दी। अब आदमी कर ही रहा है बेवकूफ जैसा, करते रहो, जब तक आप टूटते नहीं है, जब तक आपका कर्म अकर्म नहीं होता है, जब तक आप खोखले नहीं होते हैं, ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपके अंदर ईगो और सुपर ईगो दोनों जमे बैठे हैं सर पे। जो भी आप कार्य करेंगे सो ईगो से करेंगे या सुपर ईगो से करेंगे, तो आप परमात्मा पे कैसे डाल सकते हैं जब तक आपका परमात्मा से कनेक्शन ही नहीं होगा? तो ये तो होगी कर्मण्येवाधिकार से फलेषु मा कदाचित, भी कह दिया।
ये भी कह दिया और वो भी कह दिया, ऐसी अपसेट कंडीशन डाल दी, क्योंकि ऐसे आसानी से हाथ आने वाले इंसान नहीं थे। अभी मैं देख रही हूँ 6000 साल बीत गए, अभी भी वैसे ही कि वैसे जहाँ की तहाँ बैठे हूँ। लेकिन मैं माँ हूँ तो मैं ये कहूँगी, बेटे बुरा न मान, वो घोड़ा सामने कर, चाहे बुरा भी मानोगे तो भी मैं घोड़ा ला के सामने तेरे लगा देती हूँ, तो मान न मान, ज़बरदस्ती लगा देती तेरा घोड़ा, क्योंकि बेकार में 6000 साल से मेहनत कर रहा है, अभी और कब तक। फिर भक्ति योग में उन्होंने और कमाल डिप्लोमेसी करी है, बड़े डिप्लोमैट, क्या करें, डिप्लोमेसी करनी पड़ती। उन्होंने कहा कि भक्ति में हाँ पुष्पम फलम तोयम, जो भी देना है दे दूंगा, जो भी दोगे मैं ले लूंगा, ठीक है। देते वक्त क्या कहते हैं, बड़े देखिए शब्दों के फेर, तू अनन्य भक्ति कर, अनन्य शब्द में खेल गए, वो सारी दुनिया खेल रही। बड़े बड़े लेक्चर मैंने सुने, भाई अनन्य भक्ति करो, अनन्य माने जब दूसरा नहीं होता, जब आप एक हो जाते हैं, जब आप पार हो जाते हैं तब भक्ति करो। अनन्य शब्द पे खेल गए और सब लोग उसी पे खेल रहे हैं, 6000 वर्ष हुए किसी की समझ में नहीं आया कि अनन्य भक्ति माने क्या। अनन्य भक्ति माने पहले पार हो जाए फिर भक्ति, जब दूसरा कोई नहीं होता वो दशा तभी आती है जब आप पार हो जाते हैं, उससे पहले नहीं। इसी प्रकार उनके योग के वर्णन है, लेकिन उन्होंने बड़ी कृपा करी और इसीलिए उनका नाम कृष्ण था, ये कृषि कर गए, वो कृष्ण का मतलब है कृषि कर गए, कृषि कर दिए, अब मैं उसका रीपिंग कर रही हूँ, अब मैं उसको जो भी फूल और फल आए हैं उसको उठा रहे हैं, उसका मजा, वो कृषि कर गए, वो कृष्ण थे। 6000 वर्ष हो गए कोई बात नहीं, अभी भी वो हमारे कंठ के अंदर स्थित है, और कंठ में वो जब जागृत हो जाते हैं तब हम विराट की ओर अपने हाथ फैला सकते हैं और जान सकते हैं कि हर एक इंसान के अंदर हम ही बसे हुए, सूत्र पे हर एक के आ जाते हैं। जिस तरह से मणि अलग अलग होते हैं पर उसके अंदर एक ही सूत्र दौड़ता है, उसी तरह से जैसे ही आप अपने सूत्र पे आ जाते हो वैसे ही उसी समय आप दूसरों के भी सूत्र पे चले जाते हैं, इसी को कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं। और एक बड़ी भारी कृपा है साइंटिस्ट की, साइकोलॉजिस्ट की, यूंग जैसे, इसने कहा है कि नेक्स्ट स्टेप टू अवेयरनेस इज कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। आदमी में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना स्थापित होगी, ये बात यूंग ने कही, जो कि फ्रॉइड जैसे राक्षस का शिष्य बन के आया था। यह भी देखिए कमाल, फ्रॉइड का शिष्य बन के आया, उसको रिवोल्ट किया और उसने ये स्थापित कर दिया कि मनुष्य के अंदर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। और उसके उन्होंने प्रूफ के तरह पे बहुत सारे लोगों के स्वप्न को देखा और स्वप्न में उसने ये पता लगाया कि हरेक के स्वप्न में कुछ न कुछ प्रतीक रूप सिंबल्स आते हैं, और ये सिंबल्स हरेक आदमी में एक ही तरह का आते हैं, चाहे वो इंग्लैंड में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे तिम्बक्तू में। जैसे कि समझ लीजिए कोई आदमी को मर्डर करने का है तो उसके सामने एक विशेष तरह का त्रिकोण आता है हर समय उसके जिंदगी में, और उसका जो पॉइंट है नीचे में होता है, और अगर किसी का मर्डर होने वाला है तो उसका पॉइंट ऊपर में आता है और उसी तरह का त्रिकोण आता है। हजारों उन्होंने स्वप्नों का इस तरह से पता लगा करके ये सिद्ध कर दिया कि अपने अंदर कोई ऐसी शक्ति है जो हमें हमेशा संतुलन देती है, हमें आगाह करती है हमारे स्वप्नों में। इतना ही नहीं, लेकिन हमें वो सिंबल्स के तरह से हर एक चीज़ के बारे में पहले ही से चेतावनी देती है कि गलत चीज़ है, इसे न करो। ऐसे अनेक उन्होंने किए हैं, अब उनके तो वॉल्यूम्स के वॉल्यूम्स हैं, आप उसको पढ़िएगा और आप जानिएगा। और वो बहुत बड़े सहजयोगी थे यूं, लेकिन उन्होंने बड़े जीवन में बहुत संघर्ष उठाए, उनको बहुत कम लोगों ने माना और बड़ी उन पर आफत रही, हर एक सियाने आदमी की ऐसी आफत रही, कोई सियाने आदमी की इतनी भी तादाद नहीं हो पाई थी। ये तो पहले ही मर्तबा देवता लोग भी खुश हो रहे हैं कि इतने लोग माँ की बात सुन रहे हैं, नहीं तो पहले तो एक आदमी भी मिलना मुश्किल है, कहीं एक मिला तो दूसरा आएगा वो भाग जाएगा। वो जो गणित होता ना कि एक आदमी काम पे आया आधा छोड़ के गया, फिर दूसरा आया वो पौना छोड़ के गया, फिर काम कब खत्म होगा, होएगा कहाँ, ऐसे भगोड़े लगाओगे तो काम ही नहीं खत्म होएगा। ऐसे ही हमारे सहयोग का है, अधिकतर तो भगोड़े ही आते आए, पार हो गए तो ठीक है, कोई बीमारी से ठीक हो गए तो ठीक है, हाँ भाई माँ ने हमको ठीक कर दिया, हो गया, उसके आगे जमने वाले बहुत कम आते। विशुद्धि पर कितना भी कहा जाए उसका अंत ही नहीं है,
आप जब अपने अंदर वाइब्रेशंस आ गए तब आप धीरे धीरे विशुद्धि चक्र को देखने से आप समझ लेंगे कि विशुद्धि चक्र की क्या महानता है। अब इस भवसागर में एक और दो जीव हैं बहुत महत्वपूर्ण, जिसको कि हम चंद्र और सूर्य के नाम से समझ सकते हैं। चंद्र और सूर्य ऐसे चक्र हैं जो इन नाड़ियों पर पड़ते हैं, इस जगह और इस जगह। इन चक्रों के ऊपर में दो बड़ी हस्तियां बिठाई गई, वो बिल्कुल ही मानव स्वरूप है, वो मानव ही है सब। और उनमें से एक बुद्ध है और दूसरे महावीर हैं। लेकिन इनकी अगर पूरी हिस्ट्री सुनिए तो ये सीता जी की दोनों लड़के लव और कुश हैं, जो सिर्फ मानव हैं। और उसके बाद वो चढ़ते चढ़ते उतनी ऊंची पे पहुंच गए कि जहां वो बुद्ध और महावीर हो गए। तब भी उन्होंने सोचा कि हमने एक्सट्रीम पे पहुंच गए हम नॉन वायलेंस के, क्योंकि नॉन वायलेंस के जो उनके लोग आ गए और उनके जो सपोर्टर्स आ गए, उन लोगों ने नॉन वायलेंस में मच्छर बचाने शुरू कर दिए और खटमले बचाने शुरू कर दिए। तब उन्होंने मोहम्मद साहब के साथ जन्म लिया, क्योंकि मोहम्मद साहब साक्षात जनक के अवतरण थे और उनकी लड़की फातिमा साक्षात सीता देवी आदिशक्ति थी, और उनके ही लड़के बन करके हसन हुसैन बन करके उन्होंने करबला में अपनी जान दी, ये सिद्ध करने के लिए कि कोई सा भी एक्सट्रीम ठीक नहीं। और ये बात सत्य है कि नहीं, आप वाइब्रेशंस पे देखिए। अगर मैं झूठ कह रही हूँ तो आपके वाइब्रेशन से आपको पता होगा, एक भी अक्षर मैं आपसे झूठ नहीं कह रही। और उनके दोनों स्थान यहाँ पर बने, अपने सर में यहाँ पर दोनों बने। जब आपकी नाभि लेफ्ट पकड़ती है तो सोचिए कि महावीर का स्थान खराब हो गया, और महावीर का स्थान खराब होने का मतलब है आप बड़े कट्टर आदमी हैं। ये नहीं खाना, वो नहीं पीना, इसको नहीं छूना, उसको नहीं करना, सवेरे से नहाना धोना एकदम स्त्री वाले कपड़े पहनना, और इस तरह से बहुत ही बिल्कुल ही स्टिफ आदमी होना, इसे लेफ्ट नाभि पकड़ती है, महावीर जी का नाम आपको लेना पड़ता है। और राइट नाभि आपकी तब पकड़ती है जब आप बड़े अहंकारी हो जाते हैं खाने के मामले में। मैं मुझे ये पसंद है, मुझे छोटे आलू की सब्जी के अंदर मेथी कटी हुई पसंद है, पकड़ गई आपकी नाभि। मुझे बाथरूम ऐसा पसंद है, माने आप आगा खान हैं, आपको आगा खान का पैलेस पसंद है, वो हम क्या करें इसे? इस तरह की तानाशाही करना, मुझे ये चीज पसंद नहीं आई, मैं वहां गया साहब मुझे उनके ये कपड़े पसंद नहीं आए, आप ये साड़ी पहनी मुझे पसंद नहीं आई, गए आप काम से। ये बुद्ध का हाल है। इस तरह से अहंकारी लोगों का ये पकड़ जाता है। तो इस तरह से सूर्य और चंद्र की दोनों नाड़ियां पकड़ी जाती हैं। महावीर जी ने इस कदर चंद्र नाड़ी पर काम किया है कि पाताल में वो जा करके, और नरक में क्या क्या होता है, उसमें किस तरह के सात नरक होते हैं, उसमें कैसे कीड़े होते हैं और किस तरह की बदबू चलती है, और उसका सारा वर्णन उन्होंने कर दिया। लेकिन तो भी जैनियों की अकल नहीं, बिल्कुल अकल नहीं आई। और वो अगर आप पढ़ें तो कान पकड़े और कहे माँ हमें नर्क नहीं जाने का, और चाहे कुछ भी कर, ये नर्क है तो हमें नहीं चाहिए। फैशन में आप लोग हजार चीज कर लेते हैं, पर पता रखिए कि नर्क जाना होता है। एक अभी किसी ने बड़ा अच्छा मजाक बताया, वो मैं आपको बता करके अभी अपना लेक्चर खत्म करूंगी, क्योंकि दो चक्र और करने के, वो कल करेंगे। एक मजाक कभी किसी साहब ने बताया, एक आदमी बड़े धार्मिक थे, सात्विक थे बेचारे, बड़े शांति से रहे, और जब वो भगवान के पास गए तो उनको स्वर्ग में भगवान ले गए, तो देखा वहां भी बहुत सारे सहयोगी बैठ करके ध्यान धारणा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ भी वही चक्कर, मैं वहां भी ऐसा ही रहा, यहाँ भी यही चक्कर, हमने तो सुना कि बड़ा मजा होगा, तो यहाँ तो कोई मजा ही नहीं हो रहा, सब लोग ध्यान ही में मजा ले रहे हैं, मनन में ही मजा ले रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो और भी चीज होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा भगवान से कि भाई मैं जरा नर्क जाना चाहता हूँ, मैं जरा नर्क जाके देखना चाहता हूँ कि नर्क भी क्या चीज़ है, कुछ मुझे भी उसका पता चले कि नर्क क्या चीज़ है। भगवान ने कहा अच्छा चले जाओ बेटे, इस रास्ते से चले जाना। वहाँ गए तो देखा वहाँ माँ रंग रलियाँ मच रही हैं, औरतें नाच रही हैं, तमाशे हो रहे हैं, गाना बजाना हो रहा है, वो गंदी भद्दी बातें हो रही हैं, सब शराब चल रही है, सब सिगरेट चल रही है, मतलब जैसे यहाँ होते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, भूल गई मैं, नहीं कैबरे नहीं कहते तुम्हारा मैं, डिस्कोथेक, हाँ डिस्कोथेक खुले हुए हैं उनका। वाह भाई वाह, ये तो जगह पे मैं पहुंच गया। तो उन लोगों ने संगीत अपना ठहरा, पूछा भाई तुम यहाँ किस सिलसिले में खड़े हो,
कहले मुझे नर्स में जाने का है, इसलिए मुझे भगवान ने यहाँ भेज दिया। कहले अच्छा ये देखो ये दरवाज़ा, यहाँ से जा। दरवाज़ा जैसे खोला तो देखा लोगों को कढ़ाई में झोंक रहे हैं, कहीं जला रहे हैं, कहीं उल्टा टांग रहे हैं, गर्दनें काट रहे हैं, मैल पीप में छोड़ रहे हैं, कहीं उसमें गंदे गंदे प्राणी उनके ऊपर चढ़ रहे हैं, उनको खा रहे हैं, लेपर्स के जैसे सब खड़े हुए हैं। दौड़ के आए वापस, उनका भाई ये क्या, ये तुम लोग तो बाहर ये कर रहे हैं अंदर वो हो रहा है। कहने ये हमारा पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है नर का। तो इस पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में मत आना, मैं बता रही हूँ तुमसे, इसके लिए तुम चाहो तो महावीर को पढ़ लो, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ, अगर तुम्हारा विश्वास नहीं हो तो उनको पढ़ लो, वो सब बता देंगे सात नर कैसे होते हैं। तो नर की गति मत जाना बेटे, बड़ी भयंकर होती। मैं तो सोच सोच के भी किसकी बात ही कैसे करूं, मेरे बच्चे हैं। तुम सोचो कि कोई माँ अगर जानती होगी नर क्या है तो वो चिल्लाएगी चीखेगी, बच्चों को अपने पकड़ के रखेगी, बाबा रे वहां मत जा, वो भूखे मरेगी चाहे जो करा लो उससे, पर भैया वहां ना जाओ, मैं जानती हूँ वो क्या चीज है। और जो जानता है उसी से आप उसकी आर्द्रता समझ सकते हैं कि मैं इस कदर चीख चीख करके और चिल्ला चिल्ला कर तुमसे जो इतनी विनती कर रही हूँ कि बेटे सही रास्ते चलो, क्योंकि मैंने नर्क देखा है, तुम उसकी पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में मत जा। ये कह करके अब मैं आपका भाषण आज का ख़त्म करती हूँ, क्योंकि 8 बज गए, बहुत देर हो गई। और कल दूसरे 2 चक्रों के बारे में और पूरी जनरल बात कि कुंडलिनी जागृति से क्या होता है, कॉन्शियस माइंड वगैरह की बात, वो सब करूँगी। आप लोग कल भी आइएगा और सारा लेक्चर जो है उसको नोट कर लें, समझ लें, उस पर विचार करें और पार हों। और जागृति वगैरह का कार्य मैं सवेरे करती हूँ, जागृति मेडिटेशन के लिए सवेरे आई, क्योंकि अभी उसका टाइम नहीं है। और इतना ही नहीं, लेकिन सवेरे मैं आप लोगों को कोई क्योर्स करने हो वो भी मैं करूँगी। लेकिन अब लेक्चर काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया, मुझे तो उम्मीद नहीं थी इतने ज़ोर से वाइब्रेशन से। जिन लोगों के हाथ में ठंडा आ गया है वो समझ लें कि वो पार हो गए सीधा हिसाब। लेकिन इसमें जमना पड़ता है, इसमें बैठना पड़ता है, ये रचना पड़ता है, ये सूक्ष्म तत्व है, आप इतने सूक्ष्म अभी नहीं हैं। कृपया इस बात को आप रख लें अपने अंदर मन में कि कोई सी भी चीज़ जब तक उसकी कीमत नहीं की जाए हासिल नहीं होती। इतनी उसको मैंने सीधी सरल बना दी है बहुत उसमें मेहनत करके, लेकिन तो भी टेढ़ी खीर हो जाती है अगर आप टेढ़े हैं। अपने को ठीक करना पड़ेगा, अपना इंस्ट्रूमेंट ठीक करना पड़ेगा। सिर्फ हम आपकी गाड़ी चालू कर दे सकते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हिंदी में 7 साल बाद बहुत प्रयोजन आदि होने के बाद हिंदी वालों की कृपा से अब हिंदी में एक छोटी सी पुस्तक प्रसिद्ध हो गई। ये हिंदी वालों ने बड़ी उपकार हमारे ऊपर किया है और वो किताब अभी आ गई है। आप लोग सब इसको किताब को लें, घर पे जाकर पढ़ें और समझें, इसे काफ़ी आप लोगों को पता चलेगा। लेकिन पुस्तक से सब नहीं होता, अनुभूति होनी चाहिए। जिसको अनुभूति नहीं हुई है उसके लिए सब व्यर्थ। नहीं नहीं दाम तो ज़रूर है, 1-1 रुपया ठेवा, 1 रुपया रख लो, जितनी श्रद्धा हो। 1 रुपये से तो कम नहीं होगी ना, 1 रुपये कुछ दाम जरूर रखो। इसकी वजह यह है, मनुष्य का स्वभाव मैंने देखा है, अगर दे दो तो यह कचरा गाड़ी के लिए अच्छी है, चलो लगा, ये बात नहीं। इसका बड़ा महात्म्य है, इस फोटो से वाइब्रेशन आ रहे हैं, इसलिए इसे कायदे की जगह में रखना और कायदे से इसको इस्तेमाल करना। इसी फोटो की वजह से हजारों लोग देहातों में पार हो गए और जिनको आरोग्य मिला, इसलिए इस फोटो का अपमान मत करो। मैं पहले ही से बता दे रही, मैं दिखती हूँ उतनी सीधी नहीं हूँ और मेरे अंदर बहुत से लोग बैठे हुए हैं, वो सब आपको देख रहे हैं, इसलिए गड़बड़ काम कोई नहीं करना। एक तो हनुमान जी जो बैठे हैं वो दरवाजे में ही उधर खड़े हुए हैं, अभी जाते वक्त सबको एक एक लगाएंगे। सीधे सीधे नम्रतापूर्वक शांतिपूर्वक जाना बेटे, मैं समझा रही हूँ तुमको। ये फोटो है, एक एक सब लोग खरीद लो, 1 रुपया किसी के लिए ज़्यादा नहीं है, खरीद लो, क्योंकि अगर मुफ्त बांटना शुरू करें तो हो सकता है वहाँ वो बाहर खड़े वहाँ खड़े रहिए, या यहाँ से इसको लेना है। अच्छा ये जो हाथ लेके बैठो तो कितनी देर तक लेके बैठो।